हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, कश्मीरी गुलाब है मेरा, सूख रहा था पूरा ना, पत्ती सूख गया था, तोड़ के इसी गमले में डाल दिए हैं जिस गमले में ये लगा था ना। अब देखिए नया नया जो है ना ग्रोथ हो रहा है इसका, पत्ती पूरा सूख गया था। एक दिन पानी नहीं, दो तीन दिन बरसा था ना, और छत पे हम गए भी नहीं थे दो दिन, तो पत्ती सब पूरा इसी गमले में था। इसमें देखिए लाल कलर का जो मिट्टी होता है, लाल मिट्टी ना, उसी में लगा था। नीचे जो होल है, लेकिन डायरेक्ट इसमें ना मिट्टी और गोबर की खाद डाल के इसको लगाया गया था। हम तो लगाते हैं दोस्तों, देखिए लाल मिट्टी सब निकला है इसके अंदर से और गोबर का खाद। बस देखिए थर्माकोल जो है ना, हम इतना छोटा छोटा कर लिए हैं। नीचे देखिए बोरी है, ये काटन का बोरी फैला दिए हैं, उसके ऊपर थर्माकोल थोड़ा सा, फिर उसके बाद छेदा भी बहुत अच्छा है इसमें दोस्तों। पूरा देखिए ड्रेनेज होल बहुत अच्छा है इसका, इधर से तो दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। इसमें जैसे होल बन के आया था, सब में बहुत अच्छा छेदा है। हम खाली गमला आपको दिखा रहे हैं, इसमें छेदा ये नहीं है, छेदा इसमें था। इसी तरह से ड्रेनेज होल करना चाहिए, अगर ना हुआ रहे तो फिर अपना जैसे कि गरम करके लोहे से गैस पे फिर अपना छेदा कर लेना चाहिए। इसको आज रिपोर्टिंग भी कर दिए हैं और कटिंग भी कर दिए हैं, थोड़ा सा देखिए लगाए हैं कटिंग। इसका ब्रांच ना लंबा लंबा होता है, बहुत अच्छा खिल रहा था बरसात में, बहुत बढ़िया, जैसे पानी जब बरस रहा था तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग हुआ था इसमें। कश्मीरी गुलाब हमारा वो वाला गुलाब देखिए, एक था कहाँ है पता ही नहीं, लिए थे एक गुलाब और कर देते, लेकिन उसमें अच्छे से ग्रोथ अभी हो नहीं रहा है, देसी गुलाब है। और ये सब जो लगाए थे, हाँ मिट्टी जो बनाए हैं, खाद वाला मिट्टी है, रख दिए थे, कंपोस्ट बन गया था किसी में टब में ना, मिट्टी और साग सब्जी का छिलका उलका सब मिला के रख दिए थे बाहर। धीरे धीरे सब कंपोस्ट हो गया, जो नहीं हुआ था उसे अलग रख लिए, और जो हुआ है उसमें लकड़ी का बुरादा मिला के, राख मिला के अपना प्लांट लगा दिए। और ये सब देखिए गमला सब ना, सब में नीचे बोरी भी छाए हैं, थर्माकोल इसमें और मिलाएंगे, मिट्टी में मिलाएंगे। एक वीडियो हम देखे थे, अंग्रेज का वीडियो था उसका ना, मिलियन में वीडियो उसका था, लेकिन बहुत अच्छा जानकारी दिया था इसमें। जैसे कि परलाइट, बहुत लोग कहते हैं कि मिलाइए, जिसके पास परलाइट नहीं है वो थर्माकोल भी मिला सकता है। पहले हम भी नहीं मिलाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ गया है कि मिट्टी हल्का भी रहेगा और जड़ बहुत अच्छे से इसमें थर्माकोल में। देखिए मेरा नीचे का गार्डन देख लीजिए सब, यही मिर्च जो है ना रिपोर्टिंग करना है, छत पे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। ये देखिए नीचे एकदम जड़ यहाँ यहाँ तक एकदम आ गया है, एक को तो गल गया बेचारा, अच्छे से हम ना जल्दी रिपोर्टिंग नहीं किए ना तो गल गया, इसको रिपोर्टिंग करना चाहिए था मैं पहले, आज चल रहा है पूरा मिर्च रिपोर्टिंग करेंगे। ये देखिए पीपल दोस्तों, इसका छटैया टैया सब किए थे लेकिन हरा भरा है, लग रहा है ये लग गया है, नमी हमेशा पानी वानी डालते रहते हैं नीचे। और ये देखिए इसको छत पर से कल लाए थे ना, पूरा पत्ती इसका तोड़ दिए थे, पानी में रख दिए हैं इसी तरह से, इसको भी छटिया किए थे, इसको भी पानी में रखे हैं, आज पानी बदलेंगे। और इधर सब मेरे हस्बैंड साफ कर दिए थे, चलिए मछलियों को दिखाएं। देखिए बिस्किट डाले हैं और वो लान डाले हैं, जौ था ना, जो दरा हुआ जो था, जैसे कि बनाए थे वो सेतुआ, वही डाले हैं। छत पे जो कीड़े रहते हैं पानी में, वही सब खाती हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए बोरा ना, हम नल के पास बिछाए थे, एकदम ख़राब हो गया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसको रख दो सूख जाए, कौड़ा उड़ा तापने के काम में देगा, तो हम इसको साफ़ कर दिए थे। तो इसको काट काट के गमले के नीचे रखने में काम देता है, बहुत अच्छा काम। और देखिए अपने नल के पास क्या क्या रखते हैं, चलिए दिखाएँ। ये भी देखिए लगाना है, आज लगाएंगे एक गमले में, इसको तोड़ के ये सब गमला तैयार किए हैं, ये सब सब रेडी है लगाने के लिए। नीचे सब साग सब्जी का छिलका रख के ऊपर से मिट्टी। ये देखिए कल काम कर रहे थे मेरी बेटी ना, दो प्लांट
इसको रखे थे वहीं पे लगाने के लिए, सुबह बटोर उटोर के फेंक दी थी कूड़े में। तो हम उससे बोले कि वहाँ पे कैंची था, प्लांट था, तो हंसने लगी, कहीं इतना रखी है मम्मी, फिर भी चाहे जितना रहे। दोस्तों प्लांट को अपने सामने आँखों के सामने में मरता हुआ नहीं एक गार्डनर देख सकता है। अब इसको हमने ये बेचारा क्या किया है, कहीं ना कहीं इसको गाड़ देंगे। चलिए दिखाएं नल के पास का नज़ारा, देख लीजिए हमारे ये देखिए सुबह सुबह सब पानी भर भर के रखी रहती है। बहुत डांटते हैं उसको कि फेंकना मत, कहती है इतना रखी है मम्मी भर भर के, फिर भी कितना पानी रखेंगी। तो हम बोले नहीं रख दिया करो तो बस, अब वो ना फेंकती नहीं, फेंकेगी तो सुनेगी ना। अब हम कह दे नहीं मत रखो तो वो तो रोज़ फेंक फाँक दे। अब सबको मालूम हो गया हमारे घर में कि हाँ किस तरह का ये खाद डालती है। ये देखिए सब नीम का जो निमोली था ना बांध के रखे थे उसमें बरसाती में, सब देखिए सड़ गया है, देखिए पूरा। इसको चाहे ना इसी तरह से ऐसे करके अब आप इसको मिट्टी में मिला सकते हैं। यही जो एक पैकेट मिलता है आप लोग खरीदते हैं ऑनलाइन से, यही नीम का खली रहता है, इसके अंदर बीज भी सब कंपोस्ट हो गया, सब कीड़े ना खा लिए। जब हम ले रहे थे ना लड़कों से तो मेरे हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे, जो दूध वाला आता है वो उनसे कह रहा था कि इतना तेज़ गंध आता है ये, जब बाहर इतना तेज़ गंध आ रहा है तो घर में तो और तेज़ गंध आता होगा। तो मेरे हस्बैंड बोले क्या करें हमारे घर में तो सब बहुत गंध आता है, रखती हैं सब ले लेके फालतू में। तो हम बोले कि सब सूख रहा है दोस्तों, कंपोस्ट बन गया मेरा सब बहुत अच्छे से, मिट्टी वाले में रखे थे बाहर वो भी कंपोस्ट बन गया, छत पे बोरा में रखे थे वो भी। गुस्सा तो बहुत तेज़ लगा हमको दूध वाले के ऊपर, लेकिन क्या कहें, अब जिसको जितना दिमाग है वो उतना कहेगा, हमको जो करना है हम करेंगे, अब उनके कहने से हम माना थोड़ी ना हो जाएंगे। अभी ढकेंगे इन लोगों को।